हेलो एवरीवन, आज ये मेरे पास एक्सेस मैग्नस मेरे हाथ में है। यकीन मानिए ये मेरा ड्रीम कार्ड है। कार्ड को लेके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। मैं सोचता था पता नहीं कब मुझे ये कार्ड मिलेगा, और जब मिलेगा तो मैं पता नहीं कितना खुश होने वाला हूँ। बट जब ये कार्ड मुझे आया, जब मुझे मिला, मुझे उतनी एक्साइटमेंट फीलिंग नहीं हो रही है, और उतना ही मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि बस ये कार्ड डीवैल्यू हो गया है, और पूरा जो मज़ा था पूरा ख़राब कर दिया इस कार्ड का। अब पूरा जो मज़ा था, जो एक्साइटमेंट था, पूरी तरह मेरा बर्बाद हो गया है। एनीवे, बट इस चीज़ की खुशी है कि जो कार्ड मैंने सोचा था वो मेरे पास है, और ये प्योरली मेटल कार्ड है, और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है इस कार्ड। खैर, ये ड्रीम कार्ड मेरे हाथ में है, मेरे लिए इतना ही इनफ है। इस इतना से ही मैं खुश हो जाऊंगा कि चलो एटलीस्ट जो कार्ड मैंने सोचा वो मुझे मेरे हाथ में है तो सही। सो देखते हैं पहले कि इस बॉक्स में है क्या क्या, फिर थोड़ा फीचर्स पे बात करते हैं। तो मैं इसको भी अनबॉक्स कर लेता हूँ। पैकेजिंग बिल्कुल टॉप नॉच है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि सुपर प्रीमियम कार्ड है। देख ही सकते हैं क्या शानदार पैकेजिंग है इसका। वन वर्ड में वाओ, क्या पैकेजिंग है। काफ़ी लेदर टाइप फिनिश है, और पैकेजिंग बिल्कुल ही शानदार है इसका, इस का बॉक्स का। मुझे आज तक जितने भी कार्ड मेरे पास मिले हैं, सबसे बेस्ट पैकेजिंग आज तक का मेरे को यही मिला है। सो इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, सो ये देख सकते हैं ये बॉक्स है कंप्लीट, और ये मैग्नस का सिंबल है। कवर इसे स्लाइड करते हैं। ओके, वेलकम टू द मैग्नस लाइफ। वाओ, शानदार है ये, मतलब ये काफ़ी अच्छा फिनिश में है। पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, बट सच में ये वाओ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, ये है वो कार्ड। यस, ओके, ये आप देख सकते हैं ये है मैग्नस कार्ड फ्रंट से, और काफ़ी शाइनी है और काफ़ी लाइट वेट है। मुझे पता नहीं चल रहा है लिटरली कि ये मेटल है या प्लास्टिक कार्ड है, सच में मैं कंफ्यूज हूँ। ये मेटल कार्ड ही है प्लीज, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, सो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मेटल कार्ड मेरे पास वन कार्ड है वो काफ़ी हैवी है, और ये काफ़ी लाइट वेट है। ठीक है, इसको साइड करते हैं, देखते हैं और क्या है इसके अंदर। सो ये डोर इधर खुलता है। ओके, इसे स्लाइड कर देते हैं। ओके, सो जो ये फर्स्ट लीफ है इसके अंदर वेलकम बेनिफिट्स एंड कुछ हाइलाइटेड फीचर्स लिखे हुए हैं। सो ये कुछ है, इसके बारे में डिटेल में लास्ट में बात करते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कार्ड के नंबर्स मेंशन हैं, एड ऑन कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट लिखी हुई है, ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस, इसके अंदर प्रायोरिटी पास के नंबर मेंशन है, और एक्टिवेशन कोड है। अगर एड ऑन कार्ड होता तो उसका भी एक्टिवेशन होता। ठीक है, तो ये है कुछ इसके अंदर। फर्स्ट स्लिप के अंदर आप देख सकते हैं ये एक्टिवेशन करने के लिए है, कैसे आप कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं ऐप के अंदर। एंड ये है प्रायोरिटी पास, इसे साइड कर देते हैं। और कुछ है क्या इसके अंदर, एक एक चीज़ प्रीमियम फील होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं। ओके, सो ये देख सकते हैं मैग्नस कार्ड का ये बुकलेट है। ये कुछ था इसके अंदर, इस बुक्स के अंदर, बुकलेट के अंदर जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं। ठीक है, सो अभी इन सबको साइट करते हैं, और इसके कुछ हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, बताना ये है कि इसका जो बिलिंग डेट है वो 18th है, एवरी मंथ बाय डिफॉल्ट आता है। बाद में आप चेंज कर सकते हैं कोई भी डेट को, बट इसे अप्लाई हमेशा करें 18th के बाद अप्लाई करें। इससे होगा कि आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, अगर आपको कैंसिल करना है या कुछ चेक करना है तो उसके लिए आपके पास इनफ टाइम होगा। तो बात करते हैं इस कार्ड के मेन हाईलाइट और मेन यूएसपी के बारे में, जिसके लिए लोग मैग्नस मैग्नस कार्ड को पसंद करते थे, और जिसके लिए लोग मैग्नस लेना चाहते थे, और मैग्नस के इतने सारे फॉलोअर थे कि मुझे मैग्नस चाहिए, और सबका ड्रीम कार्ड बना हुआ था। तो मैं इसे पांच पार्ट में आपको बताऊंगा, पांच पॉइंट बताऊंगा इस कार्ड का, जो इसका मेन हाइलाइटेड पॉइंट था और वो बिल्कुल बेकार हो गया राइट नाउ। सो सबसे पहला जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट हुआ करता था मैग्नस का, वो था मंथली माइलस्टोन बेनिफिट। सो इसमें होता ये था कि एक कैलेंडर मंथ में 1 लाख स्पेंड करने पर 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता था, जिसकी वैसे तो वैल्यू इस रिवॉर्ड के फॉर्म में हार्डली 5,000 होता था, बट एयर माइल्स में कन्वर्जन करने से इस रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है हम वो ले पाते थे।
एग्जाम्पल के लिए जो अब जो रेशियो था पहले कन्वर्जन रेशियो, वो था 5:4, यानी कि अगर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं तो आप उसको करीब करीब 4 CV पॉइंट्स में कन्वर्ट कर पाते थे। इस हिसाब से अगर 25,000 एज रिवॉर्ड मिलता था 1 लाख के स्पेंड पे, तो इससे आप करीब करीब 4 फ्लाइट्स बुक कर पाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये 1 सितंबर 2023 से कन्वर्जन जो रेट है वो 5:2 हो गया है। और सबसे जो बैड न्यूज़ ये है इस कार्ड का, वो ये है कि मंथली माइलस्टोन क्लोज कर दिया गया है। सो अब कोई भी 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे 1 लाख के स्पेंड पे, और ये सबसे बड़ा बैड न्यूज़ है मैग्नस के लिए। और मैग्नस इस वजह से ही सबसे ज़्यादा जाना जाता था, और इस वजह से लोग इस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए इस पर्टिकुलर डिवेल्यूशन से। मानता हूं कि हर कोई हर मंथ में 1 लाख स्पेंड करके 25,000 नहीं ले पाता होगा या नहीं कर पाता होगा, वेरी फ्यू ही होंगे। बट लेकिन अगर आप 1 मंथ भी पूरे साल में कैसा कर पाते हैं, तो उसे आपको 4 फ्लाइट्स फ्री मिलेंगे, तो पूरा पैसा वसूल हो जाता है। 10,000 की फीस, और अगर आप 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते हैं, मिल जाता था आपको, तो पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता था सिर्फ 1 मंथ के पूरे साल में कभी भी स्पेंड करने पर। तो ये बहुत ही गजब का चार्म था मैग्नस का, और ये बिल्कुल ही चार्म खत्म हो गया मैग्नस का। ओके, तो बात करें इसके सेकेंड पॉइंट की, कि इसका जो ज्वाइनिंग फी है वो इंक्रीज हो चुका है। जो ज्वाइनिंग फी हुआ करता था वो था 10,000 प्लस टैक्सेस, जिससे होता ये था कि आप जब भी ज्वाइनिंग फी 10,000 देते थे, तो उसे आप टाटा क्लिक के वाउचर या 1 डोमेस्टिक फ्लाइट सबको मिलता था। इससे आप ज्वाइनिंग फी करीब करीब रिकवर कर लेते थे। लेकिन अब 1 सितंबर 2023 से इस कार्ड का जो फी है वो इंक्रीज हो गया है, और वो हो गया है 12,500 प्लस टैक्सेस, यानी कि 12,500 प्लस टैक्सेस। और जो टाटा क्लिक के जो वाउचर हैं अब वो भी डिसकंटिन्यू हो गए हैं। सो ये भी एक बैड न्यूज़ है, ठीक है। करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो इस कार्ड के साथ अब आपको कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सो अब हुआ ये है कि जो रिन्यूअल पे जो वाउचर हमें मिला करते थे, अब वो नहीं मिलेगा इस कार्ड के साथ। इसका जो रिन्यूअल फी था वो था 10,000 प्लस टैक्सेस, बट ये रिकवर हो जाता था फी देने के बाद, वो कि टाटा क्लिक या फिर इकोनॉमी फ्लाइट्स। लेकिन अब 1 सितंबर 2023 के बाद से जिसका भी रिन्यूअल फी लगने वाला है, अब उसको कोई भी रिन्यूअल वाउचर्स नहीं मिलेगा। अब रिन्यूअल फी उसको देना पड़ेगा, और बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला इस कार्ड से। ये सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट करेगा। जो फोर्थ पॉइंट है इस कार्ड का, सो वो है कि इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, यू नो, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया स्पेंड क्राइटेरिया आपको फ़ी वेव ऑफ कराने के लिए। अगर आपको फ़ी वेवियर चाहिए, जो करंट सिचुएशन था उसके अंदर 15 लाख था, बट वह वो इंक्रीज होकर 25 लाख कर दिया गया है। सो भले ही हम लोग 15 लाख स्पेंड नहीं कर पाते थे रिन्यूअल फ़ी वेव ऑफ कराने के लिए, बट फिर भी जो रिन्यूअल वाउचर मिलता था उससे हमको जो फी है वो मिल जाता था, जो कि सबके लिए इस क्राइटेरिया को अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी साउंड नहीं करता इतना स्पेंड करना, क्योंकि बिकॉज हर पर्सन के पास सिर्फ एक कार्ड नहीं होता है ना, मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, और साथ के साथ इन्होंने काफ़ी कुछ स्पेंड एक्सक्लूजन कर रखा हुआ है, जैसे कि इंश्योरेंस जो स्पेंड होगा या वॉलेट होगा या रेंट होगा, ये यू नो एनुअली जो फी वेव ऑफ माइलस्टोन है उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, रिवॉर्ड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही टफ होगा 25 लाख का यू नो टारगेट को हिट करना या अचीव करना, बहुत ही खराब यू नो डिसीजन है मैग्नस को लेकर के। ओके, तो इसका जो फिफ्थ हाईलाइटेड पॉइंट है वो है मीट एंड ग्रीट सर्विसेज। इसके साथ आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विसेज मिलता है पूरे साल। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इसके साथ, कि अगर आप 2 पर्सन जा रहे हैं तो 8 में 2 पर्सन जो आप गए तो आपके 6 ही कॉम्प्लीमेंट्री बचे, तो आप जितने लोग एक बार में बुक करेंगे उतना वो 8 में माइनस हो जाएगा। एक्चुअली मीट एंड ग्रीट्स क्या सर्विसेज होता है, कि इसके अंदर 1 पर्सन आपको पूरा फुल टाइम आपको रहेगा, और वो आपको पूरे यू नो बोर्डिंग तक वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, और वो आपको यू नो लॉन्च एक्सेस के साथ आपके सामान, मतलब पूरा स्मूथली आपको फ्लाइट पे बैठने तक वो आपकी मदद करेंगे। इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट लेकिन इसके कुछ डिमेरिट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये करंटली 8 एयरपोर्ट ही एलिजिबल है इस सर्विस के लिए, और जिसकी लिस्ट आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बट और बाकी जगह पे आपको ये सर्विसेज नहीं मिलेगा, 8 एयरपोर्ट ही आप इस पे यू नो अवेल कर सकते हैं। के सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि प्राइमरी कार्ड होल्डर का वहाँ प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो प्राइमरी कार्ड होल्डर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो ये सर्विस आप अवेल नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, एग्जैक्टली मैं ये कार्ड देख सकते हैं, यहाँ मेरे फादर का नाम है मनोज कुमार सिंह,
सोचा कि इसके पर बाकी सारे बेनिफिट तो खत्म ही हो गए हैं, मैं सोचा चलो मीट एंड ग्रीट पर्पज के लिए इसको रख लेते हैं। बट जैसे आज मैं बुक करने के लिए गया, बिकॉज मेरा आपने देखा ही होगा कि मैंने विस्तारा से एक फ्लाइट बुक किया हुआ है, तो मैं सोचा कि मीट एंड ग्रीट बुक करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं सर, जब तक आप ये भी साथ में होना चाहिए, यानी कि अगर मेरे फादर होते तो ही मुझे मिल पाएगा, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। अब मैं हर समय जहाँ भी मैं जाऊँगा मेरे फादर तो मेरे साथ हो नहीं सकते ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वाइफ के लिए ले लें या किसी फैमिली रिलेटिव्स के लिए बुकिंग कर दें, नहीं, अगर ये सिर्फ आप रहेंगे तभी आप अपने फैमिली मेंबर के लिए आप सर्विस बुक कर पाएंगे, अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो ये बुकिंग नहीं कर पाएंगे। और करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सर्विस आपको मिलेगा नहीं, वहाँ पे चेक किया जाएगा, जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है उसके नाम पे टिकट होना कंपलसरी है। कुछ बात कर लेते हैं स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया, जो कि बिल्कुल ही बेकार है इस कार्ड का। तो स्पेंड बेस्ड की मैं बात करूँ, ये तो 100% श्योर हूँ कि ये कार्ड स्पेंड बेस्ड बेनिफिट के लिए बिल्कुल अब सही नहीं रहा। बिकॉज क्योंकि आप ट्रैवल एज पे करेंगे तो 5x रिवॉर्ड मिलेगा, जिसकी जो रिवॉर्ड रेट होंगे वो 6% होंगे, और ट्रैवल एज के अलावा कहीं और करते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड रेट होगा 1.2% होगा, जो बिल्कुल ही बेकार है। तो इससे बेटर है कि स्पेंड बेस्ट बेनिफिट के लिए बेसिक कार्ड ही बेस्ट है, जैसे कि SBI कैशबैक कार्ड, एक्सिस का ही एक्सिस एस कार्ड, सबसे आप ज़्यादा रिवॉर्ड रेट गेन कर पाएंगे। मैग्नस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। बस एक बेनिफिट है जो फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है, वही लग रहा है मूवी बेनिफिट, जिसमें बाई वन गेट वन आपको मिलेगा। अब तो 5 मूवीज़ आप हर मंथ बुक कर पाएंगे और जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा 500 रुपीज़ तक। यही एक बेनिफिट मुझे बचा है। और दूसरा ये लग रहा है कि जो मीट एंड ग्रीट आप सर्विसेज हैं, अगर आप प्राइमरी कार्ड होल्डर अगर आपको मिला है, तो ये दो सर्विसेज के लिए मैग्नस फिलहाल ठीक है। इसके अलावा मुझे इसमें और कोई खास बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। अगर बात करें कि इस कार्ड को लेना कैसे है, मैं कहता हूँ इसको लेना ही क्यों है, अब इस कार्ड को, इसमें कुछ भी नहीं रखा है इसमें। बस मुझे ये पसंद इसलिए था बिकॉज इसके अंदर जो फेदर का जो पिक्चर्स हैं, जो इस कार्ड को ब्लैक के साथ जो फेदर का सिंबल है, ये बहुत ही प्यारा और एस्थेटिक लुक देता है, और जो प्रीमियम फील देता है। तो इस वजह से मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता था। और आपका रिजर्व कार्ड में वो गोल्फ का सिंबल, तो इस वजह से मुझे ये कार्ड काफ़ी और ज़्यादा पसंद होता था। तो मुझे ड्रीम था कि ये कार्ड मेरे पास हो, लेकिन अब लग मैं सोच रहा हूँ कि IDFC कार्ड में कस्टमाइजेशन ऑप्शन होता है, उसके अंदर इसके फोटोज़ अपलोड कर दूँ और सेम टू सेम मैग्नस के जैसा दिखे। अगर स्टिल आपको लेना है, प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग कार्ड है जिसकी लिमिट 3 लाख से ऊपर है, तो आप सिंपली कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, मिल जाएगा। और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है ITR वाला, बहुत हाई है, उस रास्ते पे नहीं जाना ही बेटर है। बट स्टिल चाहते हैं अगर आपके पास 18 लाख का ITR है तो दीजिए और एक कार्ड को ले जाइए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, मेरे कुछ खुफिया सूत्रों से पता चला है कि जब से इन्होंने इस कार्ड का जो स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया रखा है फीस वेव ऑफ करने के लिए 25 लाख का, वो क्राइटेरिया जब इंक्रीज हुआ है, जो कि पहले 15 लाख था, तो अब जो 3 लाख के लिमिट वाले भी इस कार्ड को ले पाते थे, वो अब इंक्रीज होके आपको एटलीस्ट 5 या 8 लाख होना जरूरी होगा, तभी ये कार्ड आपको ऑन द कॉल मिलेगा। मुझे नहीं पता कि कितना रेलिवेंट और करेक्ट न्यूज़ है, बट मुझे ऐसा पता चला था, इसलिए मैंने सबको सोचा बता देता हूँ। अब लेट्स सी क्या होता है, सो देखते हैं। और अब तो ये बचा ही नहीं कार्ड किसी काम के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ अब इस कार्ड को क्लोज ही करा देना है मेरे को। मैंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, बट अभी क्लोज करने वाला हूँ ये कार्ड को, ये तो फॉर श्योर है। बट चूंकि मैंने ये फर्स्ट ईयर लिया है, तो मैं चाहता तो मैं इसे यूज़ कर लेता, मैं यूज़ करने ही वाला था इस कार्ड को, बट मीट एंड ग्रीट सर्विस के लिए। बट वो भी मुझे डिसअपॉइंट हो गया कि मैं इस सर्विस को ले नहीं सकता, क्योंकि अब मैं जा रहा था दिल्ली, जिसकी बुकिंग टिकट मैंने आपको विस्तारा से दिखाया था, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सोचा मैं इससे मीट एंड ग्रीट और रिटर्निंग टिकट के लिए मैं बुक कर लूँगा, बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये सर्विस मैं ले नहीं सकता इस कार्ड से, और बाकी कोई सर्विस इसके अंदर बची नहीं, तो इस कार्ड को रख के कोई फ़ायदा ही नहीं बचा मेरे लिए। तो मैंने इसे क्लोज कराने वाला हूँ कल ही कॉल करके। तो बस ये कुछ था इस वीडियो में। और अगर कोई अभी इस मैग्नस को यूज़ करना चाहता है और किसी को प्राइम डे अभी लेना चाहता है, तो शायद ये अच्छा टाइम है, 1-2 महीने के लिए यूज कर सकते हैं। और जो 1 लाख के स्पेंड पे जो 25,000 है रिवॉर्ड, वो ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग के अभी साथ 1 मंथ ही बचे हैं आपके पास टाइम ड्यूरेशन। और बस अभी जो 1 मंथ में लिया वो थोड़ा बहुत बेनिफिट ले पाएंगे, बाकी आगे तो बिल्कुल बेकार। तो ये कुछ था इसके वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।